Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. एक तो आज जो वर्ल्ड कैंसर डे है ये कोई सेलिब्रेशन नहीं हो रही, बेसिकली ये डे हम लोग इसलिए आज यहाँ पे आए हैं, सब एकत्रित हुए हैं अवेयरनेस फैलाने के लिए, यानी जागरूकता फैलाने के लिए। औरतों में यहाँ पे देखा जा रहा है कि ब्रेस्ट कैंसर यानी कि स्तन का कैंसर जो होता है बहुत ही आम है। शुरुआत दौर में क्या होता है असल में औरतों में कि उन्हें जब लंप होता है यानी कि जो गांठ है गिल्टी होती है उसमें दर्द नहीं होता है, तो अक्सर औरतें जो होती हैं उन्हें पता ही नहीं चलता है। तो एक तो ये हुआ कि उन्हें दर्द नहीं है, दूसरा अगर हो सकता है उन्हें पता भी चले तो अक्सर होता है शर्माहट की वजह से घर वालों को नहीं बताती हैं। तो सबसे ज़रूरी ये औरतों के लिए होता है कि वो सेल्फ डिटेक्शन करें, यानी कि खुद से वो पहले अपने आप पता करें। बहुत सिंपल तरीका होता है, 3 उंगलियां ली जाती हैं, स्तन के ऊपर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर अंदर की तरफ और बाहर की तरफ वो फील करके देखती हैं। अगर कोई लंप या गिल्ट जो लंप मिलता है या कोई गांठ मिलती है तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, वो आपके लिए एक एग्जामिनेशन कर देती है। एक सिंपल सा टेस्ट होता है मैमोग्राम, वो आपके लिए हो जाता है, उसमें आपको अच्छे से पता चल जाता है। अगर हमें शक होता है कि वो कैंसर है तो एक सिंपल सा टेस्ट होता है जिसे हम FNSC कहते हैं, एक छोटी सी सुई लेके वहाँ पे सैंपल लेके उसे टेस्ट किया जाता है। अगर उसमें कैंसर आता है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आजकल हर तरह का ट्रीटमेंट मिलता है, चाहे वो केमोथेरेपी हो, चाहे रेडिएशन हो, चाहे सर्जरी हो, हर ट्रीटमेंट आजकल अवेलेबल है। और सबसे अच्छे प्रॉब्लम ये होती है कि अगर वो वक्त वेस्ट कर देते, टाइम वेस्ट करते शर्माहट की वजह से, वो डिजीज हो सकता है स्टेज 1 से आपके स्टेज 4 तक पहुंच जाए। और एक बार जब डिजीज स्टेज 4 तक पहुंच जाती है यानी कि वो डिजीज शरीर के और भागों में फैल गई है, तो हमारे जो ट्रीटमेंट का ऑप्शन है वो भी बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। हम पेशेंट से ये नहीं कह सकते कि ये बीमारी आपकी जड़ से ठीक होगी। तो यही एक ऑप्शन है पेशेंट के पास कि वो अच्छे से अपने घर वालों को बताएं, डॉक्टर के पास पहुंचे, ताकि वो इनिशियल शुरुआत के पहले स्टेज में ही वो डॉक्टर के पास आ जाए और हर तरह का ट्रीटमेंट वो ले सके। मैम एक बात तो ये भी है कि जैसे मैंने आपको बताया कि फीमेल्स में सबसे आम होता है स्तन कैंसर यानी कि ब्रेस्ट कैंसर, दूसरा होता है सर्विक्स कैंसर यानी कि गर्भाशय का कैंसर, ठीक है। मेल्स में एट द सेम टाइम लंग कैंसर बहुत कॉमन, क्योंकि आप देखिएगा मेल्स होते हैं स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, इंडिया में कंपेयर्ड फीमेल्स जो स्मोकिंग कम करते हैं इसलिए लंग कैंसर कम मिलता है। साथ साथ में आप देखिएगा बिहार का जो रीजन है वहां पे आपको गुटखा पान तंबाकू का सेवन बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से उनमें ओरल कैंसर यानी कि मुंह का जो कैंसर होता है बहुत आम होता है। तो ये कुछ जो कैंसर है बहुत आम है। एक और चीज़ है जो हमारे यहाँ देखा जाए पानी में आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से यहाँ गॉल ब्लैडर कैंसर बहुत ही कॉमन होता है। मैम इससे बचाव जैसा कि देखिए आपको पहले बताया गया है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है अच्छा डाइट लेना। अच्छा। इस तरह की चीज़ें जो कैंसर कॉजिंग एजेंट जिसको हम बोलते हैं जैसे कि तंबाकू हो गया, गुटखा हो गया, बीड़ी हो गई, सिगरेट हो गया, शराब हो गई, इस तरह का चीज़ों का सेवन ना करना, ठीक है। और यही कुछ सिंपल लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए और कैंसर कॉजिंग एजेंट जिनके वजह से कैंसर हो सकता है उनको अवॉइड कीजिए। आज वर्ल्ड कैंसर डे है, क्या संदेश देना चाहेंगे हर भारतीय लेकर पूरे वर्ल्ड के लोगों को, क्या संदेश देना चाहेंगे कैंसर डे पे? देखिए ये एक चीज होती है जैसे हमने आज क्योंकि हम इस दिन में इकट्ठा हुए हैं, एक है अवेयरनेस। अगर आपने अवेयर कर दिया किसी को, क्योंकि हर कोई जानता है कि कैंसर को जड़ से ठीक करना बहुत ही मुश्किल होता है, पर ऐसा नहीं कि पेशेंट ठीक नहीं होते, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अवेयरनेस। बार बार इसी चीज को रिपीट करूंगी कि अवेयरनेस ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप अवेयर होते हैं यानी कि उस चीज के बारे में जानकारी लेते हैं, जानकारी ले रहे हैं यानी कि आप एक नागरिक होने का फर्ज निभा रहे हैं, एक भारतीय होने का फर्ज निभा रहे हैं, इंसान होने का फर्ज निभा रहे हैं, आप जागरूक हो रहे हैं, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें। अगर आप किसी को ऐसा देखते हैं कि वो कैंसर कॉजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, ये है खत्म कर देना। जी मैम खत्म कीजिए, कहाँ से कंटिन्यू करूँ, आप लोगों को अवेयर कीजिए। अगर आप अपने आसपास किसी को भी देखते हैं जो कैंसर कॉजिंग एजेंट जिसको हम बोलते हैं जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है उस चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी होती है कि उन्हें उस चीज़ से रोकना, उन्हें समझाना, ताकि अगर आप अपना तो फर्ज निभाइएगा, ठीक है। तो उसके बाद ही फिर आगे कहे कि अगर किसी को आपको पता चले कि है तो आपका दूसरा फर्ज ये होता है कि उसे इस अस्पताल के बारे में बताना, उसे मदद करना। अगर किसी एक तो मैं आपको बताना चाहूंगी सबसे अच्छी बात जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से वो है आयुष्मान भारत योजना। इस योजना का सबसे अच्छा लाभ ये है कि अगर एक पेशेंट डायग्नोस्ड होके आता है यानी उसे पता है कि उसे कैंसर है तो और वो कार्ड लेकर आता है तो उसे 1 रुपया नहीं लगता है, 1 रुपया नहीं। अच्छा। मतलब उसका चाहे वो फर्स्ट स्टेज हो, सेकेंड हो कि लास्ट हो, उसे 1 रुपया नहीं लगता है, किसी इन्वेस्टिगेशन किसी जाँच में नहीं लगता है। कोई भी आप इलाज करवाए चाहे वो महंगे से महंगा केमोथेरेपी हो, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो रेडिएशन हो, कोई भी ट्रीटमेंट वो लगता है उसे 1 रुपया नहीं लगता है। तो मुझे एक चीज़ है ये बताना ज़रूरी है लोगों को कि ये बहुत अच्छा स्कीम है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से आयुष्मान भारत,
ये एक्चुअली पब्लिक के लिए एक वरदान है, वरना पहले हम ये देखते थे कि लोगों के घर जमीन बिक जाते थे इस बीमारी का इलाज करवाने में, पर अब ऐसा नहीं, अब कैंसर का इलाज संभव है। शुक्रिया मैम, क्या नाम हुआ अपना मैम? डॉक्टर सदफ खान।